गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने इसके ग्राफिकल मेथड को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज हम इसका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो हमारे पास एलजेब्रिक मेथड है, उसका पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है, क्लियर है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमारे चैप्टर का नाम है। तो आप सारे के सारे कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि आप सारे के सारे कंसेप्ट को अच्छे से नोट कर सकें। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट आपने देखा होगा कि जब हम कोई, अगर नॉर्मल से बात करें, क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कोई प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है तो इंजर्ड प्लेयर को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट में उसकी जगह हम दूसरे प्लेयर से फील्डिंग करवाते हैं, तो हम उसे कहते हैं हमने इसे सब्स्टिट्यूट रख दिया। सब्स्टिट्यूट मतलब कि आपके एक प्लेस को फिल करना दूसरी वैल्यू से, एक प्लेस को फिल करना दूसरी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लेट्स स्टार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, हम देखें यहां पे बेटा लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। हियर यू हैव टू गिवन टू इक्वेशंस, क्योंकि चैप्टर हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, दिस आर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस में से जो भी आपको सुटेबल लगे, आइदर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से कोई भी इक्वेशन को आप क्या करिए, यहां पर पिक कर लीजिए। तो लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2 को, यहां से हम क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग इक्वेशन 2, तो देखिए जब इक्वेशन 2 को हम लेंगे, तो इक्वेशन 2 को हमने लिया बेटा यहां पे x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x देखिए, y को हम उस साइड अगर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो 4 प्लस वाई, क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 प्लस वाई आ गई। लेट कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन थर्ड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो बेटा क्या किया हम लोगों ने, 1 एंड 2 में से कोई इक्वेशन को पुट किया, ले लिया। नाउ टेकिंग इक्वेशन सेकंड से हमने क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली। यहां से हम y की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव में, माई नेगेटिव का थोड़ा चक्कर पड़ता है, इसलिए हमने क्या करा, पॉजिटिव की वैल्यू को निकाल लिया। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने कि जिससे भी आप वैल्यू निकालेंगे, जिससे भी आपने वैल्यू निकाली, हमने वैल्यू किससे निकाली, इक्वेशन 2 से निकाली। इक्वेशन 2 की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ना कि वापस इक्वेशन 2 में। ओके, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा कि जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं उसके जस्ट दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखिए x इक्वल टू 4 प्लस 5 किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्लियर है। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका 14 है, x की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 14। तो देखिए 4 वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा बेटा, 2 वाई इक्वल टू 14, 2 वाई इक्वल टू 14 माइनस 4, 2 वाई 14 माइनस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। क्लियर है। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे आप, देखिए y के आपके तीनों इक्वेशन गिवन है, लेकिन ज्यादा सुटेबल होगा कि आप लोग जो आपने इक्वेशन फाइंड आउट करी थी अभी थोड़ी देर पहले, उस इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करिए और वहां से उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ x इक्वल टू 4 प्लस वाई, क्लियर है। y की वैल्यू कितनी आपकी बेटा, 5 है, x इक्वल टू 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई, x 9 आ गया, y आपका 5 आ गया। अब आपके पास देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, इसको भी चेक करने का हमारा तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ, ये आपके रेफर में आएगा, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, आप देखिए किसी में भी पुट कर लीजिए जहां आपका मन करे, या तो फर्स्ट में पुट कर लीजिए या सेकंड में पुट कर लीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी बेटा, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 9, y की वैल्यू कितनी है, 5 इक्वल टू 14, तो आपको कितना हो गया बेटा, 14 इक्वल टू 14, 14 इक्वल टू 14 हमारे पास आ गया। दैट मीन्स आपके पास जो हमने वेरिफिकेशन की है, हमारी जो वैल्यूज आई है यहाँ पर करेक्ट आ रही है, वैल्यूज क्या आ रही है हमारी यहाँ पर, करेक्ट आ रही है। ओके, नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, s माइनस t इक्वल टू 3, इसका सेकंड पार्ट है आपके, s माइनस t इक्वल टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। देखिए अब इसे सॉल्व करना है, यहां से हमें s एंड t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, अगेन
लेट कर लीजिए, दीज आर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन क्या हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आ गया। अब देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो पिछले इक्वेशन में हमने क्या किया था, वो आपके नीचे वाले सेकंड इक्वेशन को लिया था। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपके पास कोई कौन सी इक्वेशन लेनी है, तो आप जो मन करे आप वो इक्वेशन ले सकते हो। हम यहाँ पे क्या लेंगे, नाउ टेकिंग इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट, मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को लूंगा। इक्वेशन फर्स्ट को लेने का क्या फायदा है, देखिए मैं इक्वेशन फर्स्ट को लेता हूँ, एस माइनस टी इक्वल टू थ्री, एस इक्वल टू थ्री प्लस टी, क्लियर है। हमने क्या करा, यहां से इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट आपका एस माइनस टी इक्वल टू थ्री, एस इक्वल टू थ्री प्लस टी, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू हमारी थ्री प्लस टी आ गई। मैंने आपको क्या कहा था बेटा कि जो भी आप इक्वेशन लेंगे उसे जस्ट दूसरी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे, तो देखिए इस इक्वेशन में इसको वैल्यू को पुट करते हैं, क्लियर है। एंड पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो देखिए बेटा एस बाय थ्री प्लस टी बाय टू इक्वल टू सिक्स, एस की वैल्यू कितनी है आपकी थ्री प्लस टी, थ्री प्लस टी बाय थ्री प्लस टी बाय टू इक्वल टू सिक्स बाय वन, क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया कि यहाँ पे मैं एलसीएम लेने वाला हूँ, तो एलसीएम किस तरह से लेते हैं, थ्री टू सिक्स नीचे एलसीएम आ गया, थ्री टू सिक्स टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे थ्री टी इक्वल टू सिक्स बाय वन। एक दूसरा तरीका क्या होता है बेटा एलसीएम लेने का, आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टू को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्री प्लस टी से, और इस थ्री को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू थ्री प्लस टी और थ्री टी, क्लियर है। तो आप लोगों ने यहां मल्टीप्लाई कर लिया, अब देखिए आगे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए थ्री टू, थ्री टू कितना हो जाए सिक्स प्लस टू टी, सिक्स प्लस टू टी प्लस थ्री टी इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा इस साइड आ जाएगा, ठीक है, सिक्स इंटू सिक्स, तो सिक्स प्लस फाइव टी, और सिक्स सिक्स कितना होगा बेटा आपका थर्टी सिक्स, सिक्स सिक्स कितना होगा आपका थर्टी सिक्स, फाइव टी थर्टी सिक्स माइनस सिक्स, तो फाइव टी कितना आ जाएगा आपका थर्टी आ जाएगा, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा थर्टी अपॉन फाइव, फाइव सिक्स थर्टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी सिक्स आ गई। अब टी की वैल्यू को आप किस जगह पुट करेंगे, अभी आपको बताया गया था जो आपने इक्वेशन लेट किया था, एस इक्वल टू थ्री प्लस टी, तो एस इक्वल टू थ्री प्लस सिक्स, एस की वैल्यू कितनी होगी आपकी नाइन, एस की वैल्यू कितनी होगी आपकी बेटा नाइन आ गई, ठीक है। वही अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो, तो वेरीफाई कर लीजिए, पहली इक्वेशन को ले लीजिए एस माइनस टी इक्वल टू थ्री, एस की वैल्यू कितनी बेटा आपकी नाइन, टी की वैल्यू कितनी सिक्स इक्वल टू थ्री, तो नाउ थ्री इक्वल टू थ्री, दैट मीन्स हमने जो वैल्यूज निकाली है वो हमारी वैल्यूज क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, वैल्यूज क्या हमारी बिल्कुल करेक्ट है। आपको लग रहा होगा थोड़ा तेज पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो को आप 0.75 पे करके भी देख सकते हैं, आपको काफी अच्छे समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, ओके, इसको नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। चलिए इसका देखिए, इसका थर्ड देखिए बेटा, यहां पर थ्री एक्स माइनस वाई, थर्ड आपका थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन, नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन। अगर आप देखेंगे यहां पे दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हुए सॉल्व करेंगे, जब हम देखेंगे इसमें कुछ चीजें आएंगी हमारे पास। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या कर लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, किसको लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया, तो थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, अब देखिए थ्री एक्स माइनस थ्री, थ्री आपका इस साइड आ जाएगा, वाई और चला जाएगा इक्वल टू वाई, तो क्या हो गया वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री आ गया थर्ड, क्लियर। आपके पास क्या होगा, वाई राइट हैंड साइड में चला गया, थ्री राइट हैंड साइड में आ गया, वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री आ गया, ओके। हमने वैल्यूज किससे निकाली है, इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, तब किसको पुट करेंगे इसमें, इसे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, पुट वाई इन इक्वेशन सेकंड, वाई को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू वाई नाइन, सॉरी वाई की वैल्यू कितनी है आपके बेटा, अगर आप वाई की वैल्यू बताएंगे तो क्या है आपकी थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू नाइन, नाइन एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू नाइन, कैंसिल आउट हो गया नाइन इक्वल टू नाइन। अगर आप यहाँ पे एक चीज को गौर से देखेंगे, आपके पास देखिए कॉन्स्टेंट वैल्यू कॉन्स्टेंट के इक्वल आ गए, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल खत्म हो गए, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास जो वेरिएबल जिनकी वैल्यू निकालनी थी एक्स एंड वाई, वो कहाँ गए, वो वेरिएबल्स हमारे यहाँ से कहाँ गए, तो चेक करते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को वापस हम अपने ग्राफिकल मेथड जो हमने करा था उस पर आ जाते हैं, यहाँ पे कंपेयर करेंगे थ्री एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, नाइन एक्स माइनस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, तो देखिए बेटा कंपेयर करिए यहाँ पे ए वन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ए वन आ गया थ्री,
बी वन आ गया माइनस वन, सी वन आपके पास आ गया माइनस थ्री। आपका देखिए ए टू कितना आ गया, नाइन आ गया, बी टू आपका माइनस थ्री आ गया, सी टू आपका माइनस नाइन आ गया। नाउ लेट्स चेक ए वन बाय ए टू। देखिए ए वन बाय ए टू इक्वल टू थ्री बाय नाइन, बी वन बाय बी टू इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, सी वन अपॉन सी टू इक्वल टू थ्री अपॉन नाइन ऑफ नेगेटिव। तो वन अपॉन थ्री आया आपका, यहाँ पर भी आपका वन अपॉन थ्री आया, यहाँ पे भी आपका वन अपॉन थ्री आया। दैट मीन्स ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू। अगर आपने पीछे वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता है क्या चीज है ये, ये आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। किसका केस है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होती है बेटा, आपकी लाइंस पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। और सॉल्यूशन कैसा आता है हमारे पास, यहाँ पे कंसिस्टेंट आता है। जो हमारे पास लाइंस होती है वो कंसिस्टेंट होती है। तो कितना सॉल्यूशन आ गया आपका? जब भी हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू आती है। यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको पता चल चुका है, तो आप लिख दोगे जब भी आपके कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए, तो यहाँ पे लिख दोगे इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है इनके? इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। समझ आ गई आपको बात है? इनके सॉल्यूशन हमारे इनफाइनाइट है। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे बिकॉज लाइन्स कैसी है? कोइंसिडेंट। सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक पहले लिख दिया, यहाँ पे लाइन्स कैसी है? कोइंसिडेंट है। कैसी लाइन्स है यहाँ पे? कोइंसिडेंट लाइन्स है बेटा। यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया आपसे, ठीक है, बाय मिस्टेक हमसे हो गया यहाँ पे। तो ध्यान रखना कोइंसिडेंट के बाद हमारे पास क्या है, दो लाइन्स उसको इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट कर रही होंगी, जितने पॉइंट्स को उसको टच कर रही होंगी। क्लियर है? नोट करिए इसको बेटा। चलिए इसका फोर देखते हैं, फोर्थ पार्ट। तो इसमें फोर्थ पार्ट में देखिए 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3। नाउ 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड मैंने मान लिया यहाँ पे, लेकिन हम देखते हैं पॉइंटों पे हमारा गेम बहुत बिगड़ सकता है, हमारे सम में कोई काफी दिक्कतें आ सकती है, पॉइंट से हम वैसे भी डर लगता है हमें कभी कभार। तो हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मल क्वेश्चन में करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इनको सॉल्व करता हूँ, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो 2/10x लिख सकता हूँ, 3/10y इक्वल टू 13/10। तो देखिए 2x प्लस 3y डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कट हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 13 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, 1। हमने प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्लियर है। ये हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3, 4/10x 5/10y 23/10। तो देखिए 4x प्लस 5y बाय 10 इक्वल टू 23/10। समझ आई बात, एलसीएम ले लिया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। कौन सी आ गई बेटा आपकी? सेकंड। अब देखिए दोनों इक्वेशंस आपकी नॉर्मल बन गई है, नॉर्मल फॉर्म में बन गई है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस में किसी को भी आप ले सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं यहां पे देखिए नाउ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट को यहां पे ले रहा हूं बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 13 माइनस 3y अपॉन 2। x वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 3y अपॉन 2 आ गया, क्लियर है। अब देखिए इस x को हम क्या करेंगे, ये आपके थर्ड आ गए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखिए फर्स्ट से आपने इक्वेशन निकाली, इस फर्स्ट से आपने इक्वेशन निकाली, तो किसमें पुट करेंगे हम यहाँ पे, इसको सेकंड में पुट करेंगे। तो देखिए हमारी इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। x वैल्यू कितनी आती है बेटा, 4, 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 जो 4 कट हो गया, 13 टू जो 26, 3 टू 6y 5y इक्वल टू 23। देखिए माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26, 26 पर चला जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री। वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी, वाई की वैल्यू आ गई आपकी थ्री। वाई की वैल्यू क्या आई आपकी,
थ्री। तो देखिए पुट वाई, अब किसमें पुट करेंगे, थर्ड में, पुट वाई इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन थर्ड। देखिए वाई इक्वल टू थ्री जो हमारा निकला किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो एक्स इक्वल टू थर्टीन माइनस थ्री वाई थ्री बाय टू, तो एक्स इक्वल टू थर्टीन माइनस थ्री थ्री नाइन अपॉन टू, तो फोर अपॉन टू, तो वाई एक्स वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वैल्यू आपकी टू आ गई, एक्स वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा टू आ गई, क्लियर, एक्स टू आ गया वाई थ्री आ गया। वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई देखिए बेटा वन भी यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं वेरीफाई हम लोग, तो वेरीफाई हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वेरीफाई में आपके पास टू, एक्स वैल्यू कितनी आपकी बेटा, एक्स वैल्यू आपकी टू है प्लस थ्री, वाई वैल्यू कितनी बेटा आपकी थ्री है इक्वल टू किसकी हमारे पास है थर्टीन, तो फोर प्लस नाइन इक्वल टू थर्टीन, दैट मीन्स थर्टीन इक्वल टू थर्टीन, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, हमारे पास क्या आ रहा है ये राइट आ रहा है बिल्कुल, जो हमारे आंसर निकले हैं बिल्कुल क्या हमारे पास बिल्कुल क्या हो गया बेटा, करेक्ट आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, वीडियो का बता देना कि कौन से वीडियो के कौन से टाइम पे आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे या तो कमेंट्स में डाल देंगे तो वहां पे आपके सारे डाउट्स को हम सॉल्व आउट कर लेंगे, क्लियर है, उससे रिलेटेड अलग वीडियो बना लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड नहीं दिख रहा होगा, दैट मीन राइट हैंड साइड में कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी नहीं आ रही है, क्लियर। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड को ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर लेते हैं, नाउ टेकिंग इक्वेशन सेकंड, जब इक्वेशन सेकंड को हम यहां लेते हैं तो रूट थ्री एक्स रूट एट वाई इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स इक्वल टू रूट एट वाई, देखिए आपका राइट हैंड साइड चला गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई रूट एट बाय रूट थ्री वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा रूट एट बाय रूट थ्री वाई, ये आपका थर्ड आ गया, क्या आ गया आपकी थर्ड आ गई, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है, दोबारा समझिए बेटा, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं था तो आप इधर ले गए रूट एट वाई हो गया, तो एक्स इक्वल टू रूट एट बाय रूट थ्री वाई आ गया आपके पास, क्लियर है। नाउ पुट एक्स इन इक्वेशन, एक्स को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे एक्स को, इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास बेटा रूट टू एक्स रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए रूट टू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी रूट एट बाय रूट थ्री वाई प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, रूट एट बाय रूट थ्री वाई रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, तो देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट टू इंटू एट डिवाइड बाय रूट थ्री वाई प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे टू को एट से रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, रूट टू इंटू रूट एट आ गया, ठीक है, और हमारे पास रूट थ्री वहां से नॉर्मल आ गया, क्लियर, जो आप डिनोमिनेटर में। अब देखिए रूट रूट एट रूट सिक्सटीन हो जाएगा बाय रूट थ्री वाई प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, रूट सिक्स का कितना हो जाएगा आपका फोर वाई, और ये आपका हो जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री वाई डिवाइड बाय रूट थ्री इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो फोर वाई प्लस रूट थ्री कितना हो जाएगा बेटा आपका थ्री वाई, और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जीरो, फोर थ्री सेवन वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी जीरो, वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा वाई की वैल्यू जीरो आ गई। अब वाई की वैल्यू देखिए पुट वाई इक्वल टू जीरो, पुट वाई इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन इक्वेशन थर्ड, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, तो देखिए x इक्वल टू रूट एट बाय में रूट थ्री वाई, और वाई की वैल्यू क्या हमारी बेटा आपकी जीरो है, रूट एट बाय रूट थ्री वाई की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू भी जीरो आ गई, दैट मीन x एंड y दोनों हमारे पास क्या हो गए जीरो आ गए। अब लास्ट इसको क्या करना है, हमें वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई में कोई भी पार्ट ले लीजिए, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, तो रूट टू एक्स वैल्यू देखिए बेटा क्या आपकी, एक्स वैल्यू आपकी क्या है जीरो, रूट थ्री वाई की वैल्यू क्या है आपकी बेटा यहाँ पे जीरो इक्वल टू जीरो, तो नाउ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, तो जीरो की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई,
जीरो की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हमारी जीरो के इक्वल आ गई। ओके, तो इस चीज में ध्यान रखना बेटा, ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आपके राइट हैंड साइड यहाँ पे गिवन नहीं थी, तो हमने क्या करा, राइट हैंड साइड पहले हमने वैल्यूज को निकाला। अब यहाँ पे देखिए आप इससे भी निकाल सकते हैं वैल्यूज, लेकिन आपकी वैल्यू नेगेटिव में आएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ से हमारी वैल्यूज को पॉजिटिव में इजिली आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू को ले लिया, पॉजिटिव वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों ने पुट कर लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों ने पुट किया, यहाँ से इजिली सॉल्व हो गया हमारे पास, क्या आ गया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखिए पुट करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू इजिली हमारे पास फाइंड आउट हो गई, तो वाई की वैल्यू इजिली हमारे पास आ गई, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाल ली, और एक्स की वैल्यू से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया इजिली। ओके, नोट डाउन करिए, देखिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगले में देखिए बेटा आपका सिक्स्थ पार्ट है इसका, 3x/2 - 5y/3 = -2। ठीक है, आपका पहला है, दूसरा आपका है x/3 y/2 = 13/6 = 13/6। ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है, तो देखिए जिससे आपका मन करे वैल्यू निकालना चाहे उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जहां आपको सुटेबल लगे उससे वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपका नाउ टेकिंग, हम यहां से वैल्यू निकालते हैं, इनके मल्टीपल में कुछ है तो यहां से इजिली निकल जाएगी। नाउ टेकिंग क्वेश्चन, नाउ टेकिंग इक्वेशन सेकंड, क्या लिया हमने, इक्वेशन सेकंड को यहां पे ले लिया। क्लियर, तो देखिए x/3 y/2 = 13/6, तो x/3 13/6 - अब देखिए यहां पे एक चीज कर सकते हैं हम लोग वैल्यू निकालने के लिए, सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या कर लें, एलसीएम ले, तो 2x + 3y / 6 = 13/6, 6 से 6 कट जाएगा, इस तरह से कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2x + 3y = 13। तो देखिए 2x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 13, 3y उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 13 - 3y / 2, x की वैल्यू कितनी होगी, 13 - 3y / 2 आ गई। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, ये थर्ड आ गया, कहां से निकल के आए, इक्वेशन सेकंड से थर्ड इक्वेशन निकल के आ गई। पुट एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स को पुट किया हमने, क्या किया, एक्स को पुट किया, किसमें पुट किया, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों ने इसे पुट कर दिया। ओके, तो देखिए 3x/2 5y/3 = -2, तो 3/2 एक्स की वैल्यू क्या बेटा आपकी, 13 - 3y / 2 5y / 3 = -2/1। क्लियर बेटा आपका, ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई 13 3 39 3 3 9y, नीचे 2 2 4 आ गया, 5/3 = -2/1। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे वही एलसीएम लेने वाला, क्रॉस करके हम कर सकते हैं जो आपको बताया, 39 - 9y - 4 × 5y / 12 = -2/1। क्लियर, कोई दिक्कत, अब देखिए 39 3 से कितना हो जाएगा, 9 3 27 2 3 9 2 117 9 3 27 y 5 4 20 y = -24 = -24। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे 7 2 2 4 47 y = -24 - 117। क्लियर है, तो इसको ऐड करिए, (47y = 7 4 11 2 1 3 4 and 1 141) आ गया आपके पास नेगेटिव। y = देखिए y = 141/47, तो आप देखेंगे कितना आ रहा है आपके पास, 47 को कट करेंगे तो 3 पे कट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 43 = 120 43 = 120 7 3 = 21, तो 120 में 21 ऐड करेंगे तो 141। क्लियर है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। क्लियर है, y 3 आ गया, इस y को किसमें पुट करेंगे, y को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, पुट y इन इक्वेशन थर्ड पुट करते हैं हम लोग, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गया आपकी, x = 13 - 3y /
टू, 13 माइनस थ्री वाई की वैल्यू 3 बाय 13 माइनस 9 बाय 2 दैट मीन 4 बाय 2 इक्वल टू 2। एक्स वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, एक्स आ गया आपका 2, वाई आ गया आपका 3। वेरीफाई करना है अगेन, तो वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए आंसर भी हमें साथ पता चलते रहेंगे, ये नहीं कि हमें पीछे देखना है, हम वेरीफाई भी करते रहेंगे। तो वेरीफाई देखिए आंसर कर लेते हैं इसको, एक्स बाय 3 वाई बाय 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास बेटा, एक्स वैल्यू 2 आई 2 बाय 3, और वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 बाय 2, 2 जा 4, 3 जा 9 और 3 2 6 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो कितना हो जाएगा 13/6 इक्वल टू 13/6, क्लियर है। तो आपके पास वेरीफाई से पता चल जाता है कि हमारा ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ये आंसर भी क्या आ रहा है हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ओके आपको समझ आ रहा होगा ये, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ओके आई होप आप सबको सारा का सारा समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए बेटा, प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट करिए, नोट्स बनाते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करते रहिए हमेशा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस इसकी जरूर करना है आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया पड़ा बेटा यहाँ पे 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11, दिस इज फर्स्ट। सेकंड गिवन हमारे पास 2x - 4y, 2x - 4y = -24, दिस इज सेकंड। ओके 2x - 4y = -24, हेंस द वैल्यू एंड हियर y = mx + 3। अब आपसे बोला गया फाइंड m, आपसे बोला गया m फाइंड आउट करके बताइए कि m की क्या वैल्यू होगी, क्लियर है। तो बेटा m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, x और y, और x और y कहां से निकल के आएंगे हमारी, इन दो इक्वेशन से निकल के आएंगे जो अब तक हमने पीछे किया है, क्लियर है। तो देखिए यहां पे, तो किसको ले लेते हैं यहां पे, सेकंड को लेते हैं। नाउ टेकिंग इक्वेशन सेकंड, सेकंड को हम यहां से पिक करते हैं बेटा 2x - 4y - 24। तो देखिए 2x 4y तो जाके आपका किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -24 + 4y / 2। अगर आप ध्यान से देखें यहां पे तो 2 मैं ऊपर से कॉमन ले सकता हूं मैं, ठीक है, 2 कॉमन लूंगा तो 2 आ जाएगा -12 + 2y / 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी -12 + 2y, x की वैल्यू कितनी आ गई -12 + 2y आ गई। दोबारा समझिए क्या किया हम लोगों ने, 4y को साइड ले गए, प्लस का हो गया आपका, और यहां से हम लोगों का जो 2 था 2 डिवाइड में आ गया, अब 24 और 4 है ऐसे 2 कॉमन ले लिया, -12 + 2y, 2 से 2 कट हो गया, x वैल्यू -12 + 2y आ गई, क्लियर है। अब देखिए जो x वैल्यू निकल के आई है दिस इज थर्ड, हमने निकाली किससे, सेकंड से, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, थर्ड की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे बेटा, फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तब करेंगे 2x + 3y = 11, 2x क्या आपके पास बेटा यहां पे -12 + 2y + 3y = 11, क्लियर। देखिए -24 + 4y + 3y = 11, 4 3 7y 11, 24 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है, ठीक। तो 24 राइट हैंड साइड में जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 35। तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना, स्पीड अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा तेज है तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे 0.75 पे आपकी वीडियो को कर लीजिए, बड़े अच्छे समझ आ जाएगा आई थिंक, अदरवाइज आप इसे प्रैक्टिस करिए इसी स्पीड में, बिकॉज आपको मैथ्स का सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। ओके तो देखिए 7 5 35, 7 5 35, क्योंकि कई बार कंसर्न होता है, मैंने काफी बार देखा बच्चे कहते हैं सर आप तेज पढ़ाते हैं, तेज नहीं है ये, तेज नहीं होता, ये आपके एक स्पीड को आप मेंटेन करिए और धीरे धीरे करके, क्योंकि मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन आनी चाहिए। और आप जब बोर्ड पे या कहीं पे भी आप काम करें, कॉपी पे करें बोर्ड पे करें, तो आपको जो लिखते हैं उससे पहले उसके दो स्टेप आपके दिमाग में चल जाने चाहिए, ताकि आपके हाथ कहीं ना रुके और आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, आपके एग्जाम में ज्यादा कटिंग ना हो, तो इन चीजों को देखने के लिए। अदरवाइज आपको दिक्कत लगता है 0.75 पे इसको कर लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे से वहां पे स्पीड भी स्लो हो जाएगी, क्लियर है। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा यहाँ पे 5 आ गई, क्लियर। नाउ पुट y = 5 इन इक्वेशन
थर्ड किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, क्लियर। तो x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2 y, y की वैल्यू कितनी है आपकी 5, तो x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो गया 2 इंटू 5 बेटा आपका 10 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस 2 आ गई, ओके। अब इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को उठा लेते हैं, ठीक है, या इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में देखिए क्या दिया पड़ा आपको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 आपको दिया हुआ है, क्लियर। देखिए x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू माइनस 2 है, और y की वैल्यू कितनी है आपकी, y की वैल्यू 5 है इक्वल टू 11, माइनस 4 प्लस 15 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 11। अब यहां से आपको पता चलता है कि आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट आपका राइट के इक्वल आ रहा है, तो आपका वेरिफिकेशन प्रॉपर है। कभी कभी बच्चे कहेंगे कि सर आप एक ही इक्वेशन पे वेरीफाई कर रहे हैं, दूसरे पे क्यों नहीं कर रहे हैं, दूसरे पे वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरे पे भी आप चेक कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो पहले इतना नोट करिए, फिर हमें वाई की वैल्यू, एम की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू का हमें क्या करना है, यहां पे पुट करना है, हेयर y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 आपको दिया पड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू माइनस 2 है, y की वैल्यू 5 है, m x की वैल्यू माइनस 2 है प्लस 3, 5 माइनस 3 m माइनस 2, ठीक है, तो 2 इक्वल टू m माइनस 2, तो m की वैल्यू बेटा देखिए 2 अपॉन माइनस 2, क्या आ गया m की वैल्यू, एम की वैल्यू एट एंड आपकी माइनस वन आ गई। देखिए क्या हुआ आपके पास, जो अब तक आपने 6 क्वेश्चन पीछे करे थे क्वेश्चन नंबर 1 के, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपने एक्स एंड वाई को निकाला, एक्स एंड वाई को इसको वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद आपको एक स्टेप पढ़ा दिया गया, बस क्या किया गया आपसे एम की वैल्यू पूछी गई। ये क्वेश्चन आपको काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आपने ध्यान से करना, एम की वैल्यू आपसे पूछी गई है, फिर आपने क्या करा, जो आपके वाई की वैल्यू क्या आई है बेटा आपकी 5 आई है, एक्स की वैल्यू क्या आई है माइनस 2, तो आपने 5 और माइनस 2 को पुट किया, 5 माइनस 3 2 आया, और आपके पास m, ये देखिए 3 दरा के 2 आ गया माइनस 2, फिर डिवाइड के m की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस 1 आ गई, ओके। तो आई होप आप लोगों को सारा का सारा समझ आया होगा, और आप लोगों ने अपनी कॉपी पेन में सारा का सारा अच्छे से नोट किया होगा, तो आप सारा कॉपी में नोट करिए, और आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।